बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन लोगों को जवाब दिया है जो आंटी शब्द को इंसल्ट मानते हैं। इस कंट्रोवर्सी ने एक नई डिस्कशन को जन्म दे दिया है जिसमें युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को उजागर किया गया है। जीनत अमान ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि आंटी शब्द का प्रयोग हमेशा निगेटिव मीनिंग में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शब्द एक रिस्पेक्ट का सिंबल हो सकता है जिसमें ममता और सुरक्षा का भाव छिपा हुआ है। उनकी इस राय ने उन्हें इस विचारधारा को चुनौती दी है जो भी इसे अपमानजनक मानते हैं। जीनत अमान ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि शब्द को लेकर सोसाइटी में बनी धारणाएं अक्सर व्यवहारिक और असंवेदनशील होती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति को आंटी या अंकल कहते हैं तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा है जो एक सम्मान के इमोशन को दर्शाता है। उन्होंने शब्द को लेकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र किया है जहां उन्हें अपने जीवन में आंटी कहकर संबोधित किए जाने पर कभी भी बुरा नहीं लगा। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत आज से नहीं बल्कि इस विवाद की शुरुआत काफी पुरानी है। सोशल मीडिया पर यूथ यूजर्स यानी हमारी यूथ जनरेशन के कुछ लोग आंटी शब्द के उपयोग को गलत समझते हैं। जब किसी बड़े को हम आंटी कहकर बुलाते हैं तो उस बड़े इंसान को भी और कभी कभी यंग यूजर्स को भी आंटी शब्द इंसल्ट वाला शब्द लगता है। जीनत अमान का इस पर कहना था कि ये शब्द उन महिलाओं के लिए अपमानजनक है जो अपनी उम्र को लेकर सेंसिटिव हैं। इसके अलावा जीनत अमान ने अपनी पोस्ट के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शब्दों का अर्थ उन संदर्भों पर निर्भर करता है जिनमें उनका प्रयोग किया जाता है। उनकी इस पोस्ट को कई लोगों के रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी बात का सपोर्ट किया है जबकि कुछ ने इसे पुरानी सोच के रूप में देखा है। सोसाइटी में इस तरह के विचारों का होना नेचुरल है लेकिन जीनत अमान ने इस सब्जेक्ट को काफी सीरियसली लिया है और एक हेल्दी कन्वर्सेशन की शुरुआत की है। जीनत अमान ने आगे कहा, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को विस्तृत करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर एक शब्द का प्रयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार दिखाते हैं तो शब्दों का प्रयोग भी पॉजिटिव हो सकता है। उनकी इस बात ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस तरह से शब्दों को और उनके अर्थों को देखते हैं। क्या हमें अपनी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है या हमें इस तरह के शब्दों को लेकर अपने इमोशंस को समझना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। जीनत अमान की ये पोस्ट न केवल उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दिखाती है बल्कि सोसाइटी में एक नए कन्वर्सेशन की शुरुआत करने का भी ये पोस्ट पूरा संकेत दे रही है। उनकी इस पोस्ट ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि शब्दों की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हमें उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। जीनत अमान का ये बयान इस बात को साफ करता है कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ रिलेट करें। क्या हम इस बहस को समझने में सफल होंगे, ये फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभर रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।